इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की सूची को ऑनलाइन अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि चाहे वो सूची आपकी 10वीं किस्त, 11वीं किस्त या फिर 12वीं किस्त की क्यों ना हो, सभी सूची को चेक करने का प्रोसेस एक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पीएम किसान की लाभार्थी सूची को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अपने फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पे अपने फ़ोन में ब्राउज़र को ओपन करने के बाद अब आप यहाँ सर्च बार में लिखेंगे पीएम किसान। यहाँ पे आपको लिखना होगा पीएम किसान। तो यहाँ पे पीएम किसान लिख के आप सिंपली सर्च करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो अब आपके सामने यहाँ पे सबसे फर्स्ट में ही पीएम किसान का एक लिंक देखने को मिल जाता है। उसी में यहाँ पे ऊपर में वेबसाइट भी दिया रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा pmkisan.gov.in। तो आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे पीएम किसान के लिंक पे क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि फ़ोन में जब आप इस वेबसाइट को ओपन कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। वहीं जब आप इस वेबसाइट को अपने लैपटॉप या फिर अपने सिस्टम में ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब आपको बताएं कि इस पेज पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे जाना है फार्मर्स कॉर्नर के सेक्शन में। चलिए आपको हम यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में एक सेक्शन है फार्मर्स कॉर्नर का, तो उसी में नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको बेनिफिशियरी लिस्ट का, ठीक है। यहाँ पे आपको हम चलिए और जूम करके दिखा देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियर दिखे। यहाँ पे ये जो बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन है तो आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे इस पेज में आपसे यहाँ पे सबसे पहले अब आपके राज्य का नाम पूछेगा, यानी कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आप इंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ब्लॉक, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना विलेज सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना सारा चीज़ फिल करेंगे, ठीक है। अपना सारा चीज़ यहाँ पे फिल करने के बाद लास्ट में आपको सिंपली यहाँ पे गेट रिपोर्ट के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की सूची देखने को मिल जाती है, यानी कि यहाँ पे कितने लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं उनका लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इस लिस्ट में सबसे पहले आपको यहाँ पे सीरियल नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पे किसान का नाम, यहाँ पे किसान के फादर का नाम, उसके बाद आपको यहाँ पे किसान का जेंडर देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस लिस्ट में अपने नाम को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने नाम के साथ साथ अपने गांव के उन तमाम लोगों का नाम चेक कर सकते हैं जो कि इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि एक पेज में आपको यहाँ पे टोटल 50 लोगों का नाम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि अगर इन 50 लोगों में आपका नाम है, यानी कि इस पेज में आपका नाम है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन वहीं अगर आपको इन 50 लोगों में अपना नाम देखने को नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे नीचे में सेकंड पेज, थर्ड पेज या फिर फोर्थ पेज पे जाके यहाँ पे अपने नाम को चेक कर सकते हैं।